खाना कैसे खाना चाहिए और उसे अच्छे से समझ के खाते हैं तो कम से कम बीमारियां आपके पास रहे। नमस्ते, आई एम डॉक्टर मोना पटेल, नेचुरोथेरेपिस्ट एंड डाइट कंसल्टेंट सिंस लास्ट 16 इयर्स इन मुंबई। नंबर फोर्थ पॉइंट, जो टाइम गैप है वो कितना रखते हैं? वैसे कोई साइंस नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 घंटा रखिए, 1 घंटा रखिए, बट इन जनरल एक सिंपल सी चीज है कि 2 खाने के बीच में, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन 2 मील्स मस्ट बी अराउंड 4 to 5 hours मिनिमम, क्योंकि एक बार जो आप खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट भी तो होने दीजिए। अगर पहले का डाला हुआ खाना अभी तक प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है और आप ऊपर से दूसरा मील या दूसरा फूड चालू कर रहे हैं तो तकलीफ कहाँ पे होगा, आपके डाइजेशन पे बर्डन आ जाएगा। होता क्या है कि अगर एक प्रोसेस, जर्निंग प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस खाए हुए खाने की चल रही है और आपने ऊपर से 7 फूड डाल दिया तो वो बड़े स्टॉप हो जाती है और अटक जाती है, तो जो न्यूट्रिएंट्स बनी और जो हमारी सिस्टम ऑफ पैकेज चलती है वो ब्रेक हो जाती है, ऊपर से दूसरा फूड आ जाता है, यानी हमारा स्टमक भी तो कंफ्यूज हो सकता है कि पहले किसे पर जाओ, अच्छी चीज को एब्जॉर्ब करो या बाद में आई हुई चीज को एब्जॉर्ब करो, शरीर में वात बढ़ जाता है, इनडाइजेशन क्रिएट हो जाता है, काफी तक इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी क्रिएट हो सकता है। इन शॉर्ट, अगर एक खाना खाते उसके पहले दूसरा खाना अगर हम डाल देते हैं तो डाइजेशन डिसऑर्डर होने के काफी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस इसकी वजह से ही काफी सारी बीमारियां आपके शरीर में आ जाती है। कुछ 90% ऑफ द डिजीज आर ड्यू टू इनडाइजेशन, स्टमक इम्बैलेंस, एसिडिटी, गैस। तो हमेशा टाइम भी मेंटेन कीजिए 2 मिनट के बीच। इसके बाद आता है कहाँ पे बैठ के खाना चाहिए, द राइट सिटिंग पोजीशन। जब हम खाना खाते हैं तो हम किस तरह से बैठ के खा रहे हैं, कहाँ पे बैठ के खा रहे हैं वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। आजकल जैसे कैसे हो रहा है, लोग भूखे से खा रहे हैं या तो घर पे डाइनिंग टेबल साथ गए हैं, ये गलत चीज है। आप जब भी खाना खाने बैठते हैं तो क्रॉस लेग्स होना चाहिए, यानी कि लाठी मार के आपको खाना खाना है, इससे 2 फायदे होते हैं। साइंटिफिकली आपके दोनों लेग्स अगर क्रॉस में है तो आपका जो बर्डन है लोअर एब्डोमिनल पे आता है, जिसकी वजह से आप जो खा रहे हैं एक तो सिस्टम प्रॉपर चलती है, प्लस आपको अपनी सेटिस्फेक्शन का फुलनेस का पता चलता है कि वो प्रेशराइज्ड हो रहा है, अगर वो फुल हो गया है तो आपको इंडिकेट कर सकता है, और आप इसी तरह से अगर पैर लंबे करके डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो आपका स्टमक के लिए बर्डन ही नहीं होता, प्रेशर ही नहीं होता, खाते ही जाते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी खाना खाने बैठे तो सबसे बेस्ट हो सकता है उतना जमीन पर बैठिए, तलाटी या क्रॉस लेग्स लेके बैठिए तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, खाने का सेटिस्फेक्शन आपको मालूम पड़ेगा और आपने जो खाया उसकी तृप्ति भी होगी। सेकेंड, हम किस जगह पर बैठे हैं वो भी बहुत मायने रखता है, यानी कि एक साफ सुथरी हाइजीनिक प्लेस होना बहुत जरूरी है। जो जगह पर बैठे हैं वो थोड़ी शांत होनी चाहिए ताकि आप अपना खाना अच्छे से खा सकें, क्योंकि हम जब भी खाना खाते हैं उनसे ही हमारा जो डाइजेशन शुरू हो जाता है, कोई कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी चला जाता है। तो अगर आपके मुँह से जो खाना जा रहा है वो पेट तक जाए तो तक अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, इसके लिए शांति से खाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिटिंग पोजीशन बहुत ही बड़ी एक चीज आ जाती है। इसके बाद आता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। जी हाँ, ये हमारा 6th पॉइंट है। जैसे मैंने बताया सिटिंग पोजीशन के साथ ही अगर हम इसे जोड़ देते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कि आप जब भी खाना खाने बैठते हैं तो आपका संपूर्ण ध्यान आपकी थाली पे होना चाहिए, आपकी थाली में क्या परोसा गया है आपका ध्यान उसके ऊपर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप हर इस चीज को समझ सको, देख सको और उसे अच्छे से लेके खा सको।
क्योंकि जब तक थाली से मुंह तक निकला आता है तब तक ही हमारी भूख प्रवृत्त होती है, जठरा भी प्रवृत्त होती है, एक सेटिस्फैक्ट्री एंजाइम हमारे बॉडी में शुरू हो जाता है खाने को देख के, जैसे खूब खूब इतना सजा के कलरफुल रख देते हैं खाने का मन हो और वो शांत हो, सेटिस्फेक्शन हो, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत जरूरी है। पर आजकल कैसे हो रहा है, एक लिमिटेड लंच ब्रेक का टाइम लिया है, ऑफिस में बैठना है, प्लस कुछ काम पूरा नहीं हुआ है या तो घर पे कुछ टेंशन बैठे है, तो हमारा ध्यान खाने से ज्यादा किसी और चीज में ही लगा रहता है, कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे रहता ही नहीं है। और आजकल सबसे मेन बात की मुँह में खाना तो चबा रहे लेकिन हमारी उंगलियाँ कंप्यूटर या लैपटॉप पे चल रही है, खाना चबाने का काम जरूर हो रहा है लेकिन ध्यान जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे चला जाता है। तो सोचिए कि हम अपनी लाइफ रोज की 20-25 मिनट शांति से बैठ के सिर्फ खाने को कॉन्सेंट्रेट करके लंच या डिनर ले सके इतने भी कैपेबल नहीं है। तो ऐसी फास्ट लाइफ इनकम क्या मतलब क्या है, हम कमाते हैं अपने शरीर हेल्थ के, पर अगर यही चीज आपके खाने को आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करके बिजनेस प्रोवाइड करते हैं तो इट्स वेरी नॉट। सो व्हेनेवर यू सिट एंड ईट मेक श्योर योर कंसंट्रेशन ओनली ऑन योर फूड राइट। इसके बाद सातवां पॉइंट आता है स्पीड लिमिट। आज तो स्पीड ब्रेकर नहीं है तो बट आप जब भी अपना खाना तो इस तरह से उसे चबाते हैं, how you chew your food is more important than what you eat। कभी लोगों को हमने देखा है फटाफट फटाफट खाना बता देते हैं, या तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं आराम से निवाला खाया, इधर उधर घूमा, कुछ सोचा, फिर दूसरा निवाला लिया, तो वो चीजें करते हैं। जनरली हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जब आप एक निवाला लेते हैं तो उसे 32 टाइम्स मुंह में घुमाइए, चबाइए और फिर मुंह से गले से नीचे उतारिए। आई नो इट्स नॉट प्रैक्टिकल, हम 32 तो क्या चार बार भी नहीं चबाते, उसे चबा चबा के खा के नीचे उतारते हैं, बट हाँ इतना तो जरूर कर सकते हैं कि जो हमने हार्ड फूड मुंह में डाला है एटलीस्ट उसे इतना चबा दिए कि वो नीचे गले तक उतरते उतरे हल्का सा लिक्विडाइज हो जाए, सॉलिड में से सेमी सॉलिड में ट्रांसफर हो जाए। अगर आप इतना भी चबा के प्रॉब्लम नहीं आता है, आपका स्टमक नॉर्मल रहता है, आपके मेटाबॉलिज्म पे भी उसकी अच्छी ही इफेक्ट आती है, तो एटलीस्ट आप जब भी खाना खाते हैं उसे चबाते हो तो जरा शांति से चबा के आराम से एक लिमिट मेंटेन करके खाइए राइट। नाउ द लास्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, फूड फॉर योर सेल्फ। मतलब कि आप खाना किसके लिए खा रहे हैं, बाजू वाले के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए या रिलेटिव्स के लिए, आप खाना अपने लिए खा रहे हैं तो अपने पेट पे दया भी रखिए। काफी लोग हमने देखे हैं ऐसे में कि बस खाना खा रहे हैं, ये चार डिशेस पड़ी है मुझे आज फिनिश करना है, या तो आज मैंने 2000 रुपीज रुपये का दिया है तो बस रसोई कर लेना है, फिर तो 10 cuisines हो, 8 cuisines हो, 50 dishes हो रहेगा, आज दो चक्कर नहीं, मुझे तो सब खाना है, आज मैं सब कर सकता हूँ। ये मेंटालिटी चेंज कर दीजिए। भगवान ने हमें एक ही पेट दिया और पेट हमें बताता भी है कि भाई कितनी भूख है, कितना खाना है, बस उसे थोड़ा सा समझिए और सुनिए तो आप हमेशा हेल्दी एस रहेंगे। यानी कि एक चीज, हम अपने आप के लिए खाना खा रहे हैं, हेल्दी होने के लिए खाना खा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन होने के लिए खाना खा रहे हैं, सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, सिर्फ टेस्ट के लिए, या सिर्फ पैसा वसूल करने के लिए नहीं खा रहे हैं। अगर आप इन 8 पॉइंट्स के ऊपर अपनी खाने की जो शैली है उसे चेंज कर देते हैं, इसी सिस्टम को रूटीन में अप्लाई करते हैं, तो आप 99% हेल्दी हैं, डिजीज फ्री हो सकते हैं। छोटी सी बातें ध्यान रखने की, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा 24 घंटे में से अपने लिए खाने, ये सारे 8 पॉइंट्स आपको आपके डाइजेशन का अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। थैंक यू।
Thank you.